25 मई योम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान के हिसाब से निस्बत रखी गई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस धरती के दिफा के सिलसिले में बारहा अपने खून का नजराना पेश किया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने टांग और दरादिंदा से लेकर चतराल तक और कोहिस्तान तक अजीम कुर्बानियाँ दी हैं और इन्हीं कुर्बानियों के बदौलत यहाँ पे अमन अमान बहाल हुआ है। आज भी हमारा सूबा एक मुश्किल वक्त से दो चार है, लेकिन हमारे सिपाहियों ने डिस्पाइट तमाम मुश्किलात के अपना हौसला बुलंद रखा है, अपनी चौकियों, थानों और आवाम की हिफाजत से कभी भी घबराए नहीं हैं और हमेशा अच्छे प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है। हमारे एडिशनल आईजीपी अशरफ नूर साहब, जिनकी रिसेंटली बाद शहादत रिटायरमेंट हुई है, उस सिलसिले में योम तकरीम के हवाले से अपर कोहिस्तान पुलिस लाइन को उनके नाम से मनसूब करते हैं। अशरफ नूर साहब जो कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के रहायशी थे, लेकिन उन्होंने अपर कोहिस्तान में बारहा बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खिदमत अंजाम दी थी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक ऐसी फोर्स है जहाँ कांस्टेबल और मिनिस्ट्रियल स्टाफ से लेकर एडिशनल आईजी तक लोगों ने अपने खून का नजराना दिया है, जिसमें हमारे सिफत गयूर साहब और अशरफ नूर साहब, आबिद अली साहब, मलिक साद साहब और दीगर अफसरान और जवानान के अनगिनत नाम शामिल हैं। ये शहीदों की और गाजियों की फोर्स है और इन्होंने हमेशा हर हालात में मादरे वतन की दिफा की है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।